So here in this video, we'll be starting with the first question. It says the sum of the first 5 terms of an AP and the sum of the first 7 terms of the same AP is 167. उन्होंने क्या बोला है हमें यहाँ पे कि S5 और S7 को अगर हम मिला दें तो टोटल सम कितना बनेगा हमारा 167. अब S5 को हम एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SN फॉर्मूला. SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 ब्रैकेट में क्या लिखोगे 2A प्लस N-1D. अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एन इज गिवन एज 5, तो आपका हो जाएगा 5/2 ब्रैकेट में 2A आने ही आना प्लस एन की जगह क्या सब्सिट्यूट करोगे, 5 सब्सिट्यूट करोगे तो 5-1 क्या हो जाएगा आपका 4D. S7 को आप कैसे लिख सकते हो, 7/2 और 2A तो आना ही आना, सो आफ्टर इट इट विल बी 60. 2A प्लस 60 हो गया और राइट साइड पे क्या आना है हमारा 167. अब जो हमारे यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं उसमें 2 कॉमन है दोनों में, दोनों ब्रैकेट्स में, तो 5 × 2 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, ए प्लस 2D बचा ब्रैकेट में और 7/2 है हमारे पास, 2 कॉमन ले लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस 3D. राइट साइड आपके पास क्या है, 167. 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, 5 बचा यहाँ पे, 5 और ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5A आएगा, 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 10D आएगा, 7 और ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 7A आएगा, देन 7 × 3D कितना हो जाएगा आपका, 21D. राइट साइड पे क्या आएगा, 167. 5A और 7A को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 12. 10D और 21D को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 31D. राइट साइड पे आपके पास 167 है. तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी कैन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म. हमें S20 निकालना है इसमें एक्चुअली, तो लेकिन S10 हमें दिया हुआ है. S10 को कैसे एक्सपैंड करोगे, 10/2 होता है, 2A आने ही आना है, 9D हो जाएगा साथ में, ठीक है. राइट साइड पे आप क्या लिखोगे, 235, और 2 से 10 कैंसिल हो गया तो 5 आ गया, 5 से 235 कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, 47. सो व्हाट इज योर इक्वेशन हियर, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 47. सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास. एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ए की वैल्यू या डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर इज, आई विल बी मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन विद 6, कंप्लीट सेकेंड सेकेंड इक्वेशन विद 6. तो ये हो गया 12A, 9 6s, 9 × 6 वुड बी 54D. और आपके पास राइट साइड पे क्या बचा है, इट इज 47. तो 47 आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो इट विल गिव यू 282. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम रिड्यूस करते हैं, पहली वाली और जो सेकेंड हमने फॉर्म करी. अब आप ध्यान से देखो तो आपका 12A से 12A कैंसिल हो जाएगा, 54 में से 31 गए तो आपका क्या बचा, 23D. राइट साइड क्या है आपकी, 282 - 167. सो 282 - 167 विल गिव यू 115. तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 115/23, और 115 और 23 को कैंसिल करोगे तो 5 आएगा. सो डी इज 5. अब ए निकालना है, ए किसी भी एक इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दो, चाहे सेकेंड इक्वेशन ले लो चाहे फर्स्ट इक्वेशन ले लो. तो जब आप इसको सब्सिट्यूट करोगे ना तो ए की वैल्यू आपकी अराउंड आ जाएगी 1, ठीक है. ए भी आ गया आपके पास, डी भी आ गया आपके पास. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, S20 फाइंड आउट करना है. तो S20 कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपकी मेन इक्वेशन थी एन की जगह हमने क्या रखना है, 20. तो ये हो गया 20/2, ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 × A. 2 × A का मतलब क्या, 2 × 1 2 ही आना है, प्लस N-1. N-1 का मतलब हो गया 19, और डी कितना है हमारा, 5 है. 2 से 20 कैंसिल हो गया, 10 आ गया. ब्रैकेट में आपके पास क्या, 2 प्लस 19 × 5. 19 × 5 क्या होता है आपका, 95. सो 95 + 2 कर दो, 95 + 2 वुड बी 97. तो 97 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 970. दैट वुड बी द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स.